लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ चलाए जा रहे अभियान के तहत संकल्प यात्रा शेखपुरा पहुंची, जहां शहर के टाउन हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, प्रधान महासचिव संजय पासवान, संगठन मंत्री प्रो. रविन्द्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कुशवाहा, जिला अध्यक्ष इमाम गजाली समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि यह संकल्प यात्रा पूरे बिहार से होते हुए शेखपुरा पहुंची है और कार्यकर्ताओं से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और उनका फीडबैक ले रहे हैं और आगामी चुनाव के लिए उनको तैयार रहने के लिए कहा जा रहा है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारों को हर घर तक पहुंचाने का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संकल्प लिया है, उसको लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने कहा कि लोजपा की संकल्प यात्रा शेखपुरा पहुंची है और कार्यकर्ताओं का उत्साह और उमंग देखकर अभी से ही लग रहा है कि अब वह दिन दूर नहीं जब बहुत जल्द ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री चिराग पासवान होंगे। सभी प्रकोष्ठ के सम्मानित अध्यक्ष, आज हम लोग शेखपुरा की धरती पर आए हुए हैं और हमारे नेता का स्पष्ट निर्देश है चिराग पासवान जी का कि संकल्प यात्रा में जाना है और सभी प्रकोष्ठ के पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी के साथ बैठक करना है। ये आम सभा नहीं है और संगठन की बैठक है। बैठक में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं से संगठन को और कैसे धारदार बनाना है उस पर विचार विमर्श करना है। अभी हम लोग बैठेंगे सभी संगठन के, हमारे पंचायत अध्यक्ष से लेकर के प्रखंड अध्यक्ष सबके बारी बारी समीक्षा के बाद और संगठन को हर बूथ पे ले जाने का संकल्प लेना ही मेरे नेता का स्पष्ट निर्देश है और उसके साथ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो संकल्प या मतलब जो हम लोग का मेन मैनिफेस्टो है उसमें बेरोजगारी कैसे दूर होगी, पलायन कैसे दूर होगा, शिक्षा व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे दूर होगी, भ्रष्टाचार से कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे हमारे युवाओं को, हमारे कामगारों को, हमारे यहां पर रोजगार मिलेगा, किसानों को उचित मुआवजा, उचित उसका मूल्य किसानों का, तो ये सब विभिन्न सारे मुद्दों पर चुनाव की भी तैयारी शुरू हो गई है। नहीं, चुनाव देखिए, हमारी पार्टी हमेशा चुनाव मोड में रहती है। हमारी पार्टी जब टूटी उसका से आप देखे होंगे कि एक लौता दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, जिसके सभी नेता से लेकर के पदाधिकारी जो भी हमारे हैं कहीं कहीं रोज काम करते आ रहे हैं।